असलम द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है सी आर पी इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एटीट्यूड मोटिवेशन एंड बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स सी आर पी जो है वो इसका शॉर्ट uh, फॉर्म है कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस की ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आइडेंटिफाई की जाती हैं प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड और मोटिवेशन ये तीन चीज़ें एंड द बाइंग बिहेवियर ऑफ़ द कस्टमर एक कस्टमर का एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के बारे में जो बिहेवियर होगा उस पर हम क्या करेंगे उस पर रिसर्च करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस इसके अंदर स्टेप्स हैं इसके कुछ स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं या जिसके लिए रिसर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एक हम लोगों एक ख़ास इलाके के लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं कि इनका इस प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्याल है तो उनको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने प्रोडक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस पर रिसर्च करेंगे लोगों के जो है वो एटीट्यूड को चेक करेंगे मोटिवेशन या बाइंग बिहेवियर को द प्रोडक्ट गुड्स आर सर्विसेज ऑन या फॉर विच रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो प्रोडक्ट गुड या सर्विसेज जिसके लिए रिसर्च हो रही है उसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं सेकेंड स्टेप है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन दो किस्म का डाटा होता है एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा पहले हम पढ़ते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। पहले नंबर पर क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है जिसके बारे में हमने रिसर्च करनी है उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो अवेलेबल डाटा है सेकेंडरी डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है डेटा कहते हैं इन्फॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट इज कलेक्टेड इन दिस स्टेप सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में क्या होता है कि वो उस ऑब्जेक्ट जो हमने पहले सेलेक्ट किया था उसके बारे में जितना भी डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पहले से लोगों ने उसके बारे में एक रिसर्च कर रखी है या एक उसके बारे में उन्होंने परसेप्शन बना रखी है उस डाटे को हमने क्या करना है कलेक्ट करना है इसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्शन उसके बाद है सफ़िशंट डाटा आर नॉट अगर सेकेंडरी डाटा जो है वो हमारी रिसर्च जो है रिपोर्ट हमने बनानी है एंड पे उसके लिए अगर सेकेंडरी डाटा सफिशेंट है देन इट्स ओके वी विल क्रिएट अ रिपोर्ट अबाउट दैट प्रोडक्ट हम उस प्रोडक्ट के बारे में एक परसेप्शन एक हम पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लेंगे कि इस प्रोडक्ट के बारे में हमारी रिसर्च ये है इफ सफिशियंट देन रिपोर्ट इफ़ नॉट सफिशियंट दैन प्राइमरी रिसर्च इज कंडेड अगर हम फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट के बारे में एक सेकेंडरी डाटा कोलेक्ट किया जो अवेलेबल था और वो अवेलेबल डाटा जो है वो सफिशियंट है हमने रिपोर्ट क्रिएट कर दी अगर वो सफिशेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे हम अपना एक डाटा करिएट करेंगे जिसको प्राइमरी डाटा कहते हैं ये है प्राइमरी डाटे और सेकेंडरी डाटा में फ़र्क सेकेंडरी डाटा जो है वो हम ख़ुद कलेक्ट नहीं करते वो ऑलरेडी हम किसी की रिसर्च को देख कर उसको हम एनालाइज़ करते हैं लेकिन जो प्राइमरी डाटा है वो हम ख़ुद न्यू डाटा एक किस्म का होता है हमने खुद अपने से उसको क्रिएट करना होता है न्यू डाटा न्यू ओपिनियंस आर मेड अबाउट द ऑब्जेक्ट इन दिस रिसर्च देइप ऑफ प्राइमरी रिसर्च ऑफ डेटा जो प्राइमरी रिसर्च ऑफ डाटा है उसकी दो टाइप्स होती हैं एक क्वालिटेटिव टाइप होती है और दूसरी क्वान्टिटेटिव टाइप होती है हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर उसमें हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट पढ़ा कि जिस पर जो है वो रिसर्च कंडक्ट की जाएगी या जिस के लिए रिसर्च कंडक्ट की जाएगी उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट फिर हमने सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी अवेलेबल मार्केट में डाटा है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसको क्या कहते हैं सेकेंडरी डाटा अगर सेकेंडरी डाटा जो है वो अनफ है देन वी विल क्रिएट अ रिपोर्ट इफ़ इट इज़ नॉट देन वी विल गो टूवर्ड्स द प्राइमरी डाटा कलेक्शन प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या होता है कि न्यू ओपिनियंस किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में न्यू डाटा जो हम खुद से जो है वो क्रिएट कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्शन यहां तक क्लियर हो गया तो आगे प्राइमरी डाटा कलेक्शन की दो टाइप्स हैं पहली टाइप जो है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन नुमेरिकल डाटा जैसा कि नेम से है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव होता है रिलेटेड टू द क्वालिटी नॉट टू द नंबर्स या नुमेरिकल्स इन्वॉल्स कलेक्टिंग इसमें हम कलेक्ट या एनालाइज करेंगे नॉन नमेरिकल डाटा फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट, वीडियोज़ ओपीनियनस देर आर थ्री मैथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च के फिर तीन मैथड्स हैं हमने पढ़ा प्राइमरी डाटा कलेक्शन हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो पहली टाइप प्राइमरी डाटा कोलेक्शन की है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च जैसा कि नेम से ज़ाहिर है ये रिलेटेड टू द क्वालिटी है नॉट टू द क्वांटिटी क्वांटिटी नुमेरिक्स होते हैं क्वालिटी नॉन नुमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं इसमें हम कलेक्ट करते हैं नॉन नमेरिकल डाटा नॉन नमेरिकल वैल्यूज़ जो कि टेक्स्ट uh, लिखी uh, हो हो सकती हैं वीडियो ओपिनियंस लोगों की हो सकती हैं इसकी तीन आगे क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च आपने करनी किस तरह है उसके हम अब तीन मेथड्स की तरफ जाते हैं जो पहला मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च का वो है डेप्थ इंटरव्यू डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है वन ऑन वन इंटरव्यू टू गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कुछ लोगों को एक इंटरव्यू के लिए रिसर्च इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है और उनसे इंटरव्यू लेके किसी भी ओ जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है उनकी राय ली जाती है दिस इज़ कार्ड द डेप्थ इंटरव्यू जिसमें वन ऑन वन इंटरव्यू होता है आप एक बंदे को सामने कस्टमर को सामने बिठा के जिससे इंटरव्यू ले लें उसको डेप्थ इंटरव्यू जे ये था पहला रिसर्च मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च का क्वालिटेटिव रिसर्च के तीन मेथड्स हैं पहला प्राइमरी जो सबसे पहले यह है कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन में दो किस्म की रिसर्च होती है क्वालिटेटिव रिसर्च एंड देन क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च नॉन नमेरिक्स उसका पहला मेथड जो है वो डेप्थ इंटरव्यू है उसके बाद दूसरा मेथड जो उसके है वो है ग्रुप फोकस गेटिंग डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डाटा कलेक्शन करना बाई इंट्रेक्शन एंड डिस्कशन ऑफ ग्रुप कि आप ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाएं और उनसे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो उनकी राय है वो लें तो इसको कहते हैं ग्रुप फोकस दूसरा रिसर्च मेथड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड कौन सा है वो है ग्रुप फोकस पहला कौन सा था डेप्थ इंटरव्यू सेकंड वन इज ग्रुप फोकस अब हमने तीसरा इसके इसका रिसर्च मेथड पढ़ना है किस चीज़ का क्वालिटेटिव रिसर्च का तीसरा रिसर्च मेथड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं इसमें ये होता है कि सब्जेक्टिव एंड ट्रू ओपिनियंस आर कलेक्टिव कलेक्टेड कि किसी भी एक किसी भी एरिए से या कुछ लोगों से सब्जेक्टिव ओपिनियंस जो लिखे हुए ओपिनियंस हैं उनका फीडबैक जो है वो कलेक्ट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में तो इस थर्ड uh, uh, जो है वो रिसर्च मेथड को कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी डाटा कलेक्शन जिसके अंदर हमने पढ़ी इसकी दो किस्में पहली किस्म जो थी वो है क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन या क्वालिटेटिव uh, जो है वो रिसर्च उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि ये नॉन अमेरिक वैल्यूज या ओपिनियंस होते हैं इसमें नोमरिक्स इस्तेमाल नहीं होंगे और फिर हमने इसके तीन मेथड्स पढ़े पहला मेथड डेप्थ इंटरव्यू सेकंड मेथड ग्रुप फोकस एंड थर्ड मेथड हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़ी उसके बाद हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे प्राइमरी डाटा कलेक्शन की सेकंड टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च पहली क्वालिटेटिव रिसर्च सेकंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ये क्वांटिटी से रिलेटेड है तो इसमें Uh, क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें नुमरिक वैल्यूज इस्तेमाल जैसा कि नाम से है क्वांटिटी देन वी विल यूज़ इन दिस रिसर्च द नुमैरिक वैल्यूज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नुमेरिकल डाटा देयर आर थ्री मैथड्स ऑफ दिस रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च के भी तीन मैथड्स हैं हमने तीन मैथड्स पढ़े क्वालिटेटिव रिसर्च के अब तीन मैथड्स पढ़ रहे हैं क्वान्टिटेटिव रिसर्च के सबसे पहले होता है इसमें क्वेश्चनियर कि एक क्वेश्चनीयर तैयार किया जाता है एक पेपर होता है जिस पर आ, बहुत सारे क्वेश्चंस और उनके नीचे मल्टीपल चॉइसेस होते हैं और डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स में जाके उनसे वो फिल करवाए जाते हैं उनकी ओपिनियंस जो हैं वो कलेक्ट की जाती हैं सेट ऑफ़ रिटर्न क्वेश्चंस विद चॉइस ऑफ आंसर्स ये पहला मेथड है क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्वेश्चनियर का उसके बाद सेकंड जो मेथड है वो ऑब्जर्वेशन मेथड है ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ पीपल इन नेचुरल सराउंडिंग। होता ये है कि नेचुरल सराउंडिंग में जाके कुछ लोग नेचर ऑफ बिहेवियर को ओपनली क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद तीसरा मेथड एंड द लास्ट मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च है सर्वे मेथड गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं कुछ लोगों के पहले सोच लिए जाते हैं कि हमने इस इलाके के ग्रुप्स इस रीजन्स के ग्रुप में जाना है और उनसे सर्वे करना है उनसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उनकी राय लेनी है तो इसको सर्वे मैथड कहते हैं हमने पढ़ा क्वान्टिटेटिव रिसर्च जो कि नुमेरिक्स से रिलेटेड है इसके तीन मेथड पढ़े आ, पहला था क्वेश्चनियर सेकेंड था ऑब्जर्वेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज सर्वे मेथड तो जब हम ये तमाम प्रोसेस से गुजर जाएंगे ये हम रिसर्च कर लेंगे प्राइमरी रिसर्च प्राइमरी डाटा कलेक्शन हमारी हो जाएगी देन वी विल क्रिएट अ रिपोर्ट एट द एंड आफ्टर एनालाइजिंग डाटा अ फाइनल रिजल्ट इज कंडक्टेड एंड रिपोर्ट अबाउट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म उस ऑब्जेक्ट के बारे में फाइनल एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है कि कंज्यूमर का इस ऑब्जेक्ट के बारे में ये ख्याल है ये पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मेजोरिटी है उसको देख लिया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार करके उसके बारे में एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के बारे में ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने मैं एक दफ़ा ओवरव्यू कर देता हूँ डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस पढ़ी उसके बाद उसके स्टेप्स पढ़े सबसे पहला स्टेप था ऑब्जेक्ट कि जिसके बारे में या जिसके लिए रिसर्च की जा रही है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं उसके बाद सेकेंडरी डाटा कलेक्शन जो डाटा ऑलरेडी मार्केट में या नेचर में अवेलेबल है उस ऑब्जेक्ट के बारे में उसको हमने एनालाइज़ करके अगर हमें जो हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हैं वो मिल रहे हैं तो हम उसकी रिपोर्ट तैयार कर देंगे अगर वो नहीं सफ़िशेंट इफ़ नॉट सफिशेंट दैन वी विल क्रिएट प्राइमरी रिसर्च प्राइमरी रिसर्च में दो टाइप्स होती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो सॉरी uh, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो नॉन नुमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उसके तीन मेथड्स हमने पढ़े सबसे पहला था डेप्थ इंटरव्यू सेकेंड वन इज़ ग्रुप फोकस थर्ड वन जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स थी उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ी जो कि नुमेरिक वैल्यूज से रिलेटेड है और इसके अंदर तीन मैथड्स थे पहला मैथड जो क्वेश्चनियर था ऑब्जर्वेशन मैथड एंड सर्वे मैथड और एट द एंड जो है वो एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है और इस तरह कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है थैंक यू वेरी मच